लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डायरी मिल गई जी सरकार, डायरी मिल गई। बाबूजी डायरी मिलने की खुशी में मैं अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मगर बाबूजी, बाबूजी ये गोरा धंधा कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ। ये कैसी लिपि है, ये भाषा कैसी है? अरे बेटा जब डायरी मिल गई तो लिपि और भाषा सब समझ में आ जाएगी। हेलो, जिस डायरी को पाकर तुम बाप बेटे पूरे नहीं समा रहे उसे मैं सालगिरह के मौके पर तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ा के ले। कौन है तुम? मैं काला चोर। हेलो हेलो हेलो, काला चोर? ये काला चोर कौन है और इसे कैसे पता चला कि डायरी हमें मिल गई है? बाबूजी ये डायरी हर वक्त हमारे आंखों के सामने रहनी चाहिए। देख कैसे मुमकिन है। हाँ ये कर बाबूजी, इससे बढ़कर डायरी छुपाने के लिए और दूसरी कौन सी जगह हो सकती है? ये देखो, देखो। वंडरफुल वंडरफुल शब्द, ये हर वक्त हमारे सामने रहेगा। नहीं छोड़ो ना। डरते क्यों, यहाँ कौन देख रहा है? नहीं नहीं छोड़ो ना। अच्छा लो छोड़ दिया। अरे हाँ रूपा, जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया था वो तो कहना ही भूल गया। क्या? मानोगे मेरी बात? हाँ हाँ। तो फिर आओ। नाना। नाना क्यों, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आज रात को। आज रात को? हाँ आज रात को पाशी की सालगिरह की पार्टी है और मुझे वो डायरी उड़ा दी। लेकिन फायदा क्या? अगर वो डायरी मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारी बहन राधा का पता बड़ी आसानी से लगा लूं। क्यों नहीं कहा? सौ साल तक जियो बेटे, सौ साल तक जियो। आपकी बैल की तरह बढ़ो। क्या कहा तुमने? खूब लंबी उम्र हो, खूब लंबी उम्र हो। बेटा वो नाचने वाले कहाँ है? अरे हाँ गोपाल जी, अभी तक वो नाचने वाले क्यों नहीं है? अभी आते हैं सरकार, अभी आते हैं। नाचने वाले कहाँ है? नाचने वाले गिर 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 गिर। बाबूजी आपके मुंह पे काली पाशी, तेरा मुंह भी काला है। मेरा? सरकार सरकार, काले चोर ने हम सबको मुंह काला कर दिया और डायरी भी उड़ा के लेके डायरी गायब। आखिर काला चोर अपनी करामात दिखा गया। ये कौन सी लिपि है? हाय दया, पढ़ना नहीं आता? अक्षर ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? फिर क्या खाक पड़े हो? रूपा जरा शीशा तो लाना। मुंह देखोगे? मुंह तेरा देखूंगा, जा लेकर आ। लो। ओहो। अरे डायरी को आईना दिखा रहे हो? ठहरो। इसको ऐसा रखो, ये ऐसा रखो। क्या आइडिया है? अरे वाह वाह वाह, देखो कमाल हो गया, क्या दिमाग पाया लिखने वाले ने। हर उगे हर घर तहां, नंदी घूमत जाए, राह दिखा सर के शिवलिंग, कोश सर्प लहराए। क्या मतलब? अर्क उगे यानी अर्क पीने का होता है? अरे वो नहीं, अर्क यानी, अरे हाँ समझा, अर्क सूरज को कहते हैं। और उगे? सूरज की तरह उगता है पूरब में। और हर किसे कहते हैं? शिव जी को। करेक्ट। रूपा यहाँ से पूरब की ओर कोई शिव जी का मंदिर है? हाँ बहुत पुराना मंदिर है। आ गया बे।
पकड़ में। अरे तू तो मुझे पकड़ रहा है। इसी तरह खजाने के भेद को भी पकड़ लूंगा। चलो मंदिर। नंदी घूमत जाए। चलो नंदी के चारों ओर घूमे। हाय दया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इसे घुमा के देखें। अरे वाह रूपा, तेरी घूमने भी अकल है। चल घुमा। पहले इसे तो पूरा कर लो। आ गया मैदान, खुल गया बेन, चलाओ। ये कोई मामूली सांप नहीं, नागराज है। कोश सर्प लहरा है। हे नागराज, हम चोरी करने नहीं आए, दोस्ती निभाने आए हैं, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी बहन राधा का पता लगाना। पता नहीं बेचारी दीदी कहाँ होगी। अरे ये क्या कर रहे हो? देखते जाओ, यही हीरे जवाहरात तुम्हारी दीदी का पता लगाएंगे। हीरे जवाहरात? तेरे पास इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? खजाने में से। खजाना कहाँ है? खजाना ठीक है बताओ, खजाने की चाबी और कहाँ है खजाना ये नहीं बताओ। खजाने की चाबी? विनोद विनोद बोल बोल बोल, कहाँ है खजाने की चाबी, कहाँ है खजाना? पहले तुम बोलो कि कहाँ है राधा। राधा वो बेचारी तो पानी में गिरकर मर गई। राधा पानी में गिरी है सच है, लेकिन मर गई है। झूठ। तुम्हें खजाना का पता मालूम है? ये भी झूठ। ये सच है। जानते डायरी किसके पास है? किसके पास है डायरी? जिसने पार्टी में तुम्हारा दिल बहलाया था, गाया था, नाचा था और मुंह काला किया था। किसने किया था? काला चोर। जानते हो कौन है? तुम्हारे सामने खड़ा वो तू था। आप बाशी, अब डायरी मेरे कब्जे में। वाह खूब चकमा दिया, खूब धूल होगी सबकी आंखों में। ला अब दो डायरी। दो डायरी दूंगा? हाँ। पहले राधा को पता होता। मैं कहा ना राधा मर गई। अगर तुम डायरी चाहते हो तो बताओ कि राधा कहाँ है, वरना। हरी ओम हरी ओम। अरे ठीक ही तो कह रहा है बाशी बेटे, तुम इसे राधा से मिला दो, ये तुम्हें डायरी दे देगा, ले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो मेरे साथ जाओ बेटे। चलो ठीक 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 ठीक, भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। ठीक 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 ठीक। आई आप विनोद बाबू और यहाँ या कोई विनोद विनोद नहीं, जाओ 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 जाओ। इसमें जरूर कुछ घोटाला है। वाह पाशी वाह, बड़ी अजीब जगह है। तुम्हारे राधा वहां है, जाओ मिलो। है दरवाजा खोल। यस सर। लेकिन याद रहे, कोई चाल चलने की कोशिश की तो यहां से बच कर नहीं जाओगे।
मुझे मालूम है, इसीलिए तुम्हें लेने आया हूं। नहीं, ये मुश्किल है। मैं तो इन शैतानों की चंगुल में फंसी हुई हूँ। ये सब उनकी साजिश है। तुम अपनी जान हाथ में मत डालो, भगवान के लिए जल्दी चल जाओ। दादा, तुम्हें इस जाल से निकालकर विनोद को सौंप देने का संकल्प लेकर आया। विनोद को? ये क्या कह रहे हो तुम? दादा, मैं विनोद नहीं, विजय हूँ। ऐसा मजाक करके तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? तुम्हारे नाम की माला जपती हुई मैं जुल्म और सितम की आग में झुलस रही हूँ। सिर्फ अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए मैं जी रही हूँ। मेरे लिए नहीं, अपने विनोद के लिए। मैं और विनोद दोस्त हैं, हम दोनों की सूरत एक जैसी है। मेरी माँ भी हम दोनों के अंतर को नहीं समझ सकी। चलो मेरे साथ। आशी, आशी, शक मुझे पहले से ही हो रहा था, अब तेरी ही चाल तेरा काल बन जाएगी। मान गया कमीने, तूने नैले पे तहला मार दिया। अबे कुत्ते, मैं तुझे इसी जगह तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा। जरूर, फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। जिस खजाने के लिए तुम लोगों ने ये जाल बिछाया है, उसका भेद मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। खजाना कब्जे में किए बिना मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा। तुझसे खजाने का भेद उगलवा कर ही रहूंगा। अरे छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, तुम इसे पकड़ कर क्यों नहीं लाए? सारा इंतजाम कर दिया सरकार, अभी